हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट विद रुचि मैम। चलिए हम लोग फिर से उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, राइट? जैसा हम लोग पर डे करते चले आते हैं, तो देखते हैं। जैसा आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में सीन कर रहे हो, सारे बच्चे आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सारे। ऋचा जी, प्रमोद जी, राधिका, निशा, राजेश, वाओ एक्सीलेंट, वेलगोस ऑफ दीप्ति, वाओ अच्छा नाम है, बढ़िया। हाँ, प्रिया कुमारी, रुचि सिंह, सारे बच्चे, यस। नाउ कंटिन्यू, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या लिखा? अंतः श्वसन होता है, अंतः श्वसन होता है। सारे बच्चे आ जाएंगे फटाफट। सारे बच्चे आ जाएंगे फटाफट, आए पहले सब सब लोग आ जाएं। अतुल लिंक लगा दिया, लिंक और दिव्य वो उनको फोन करिए। चल ओके बच्चों, यस। देखिए, अंतः श्वसन होता है कहां पर होता है? श्वास नलिका में, या फिर आपका मैम कमेंट्स आप पर। चले, अभी हम लोग बात नहीं करेंगे श्रीदेवी कुमारी जी। अभी हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, हम पहले उस पर डिस्कशन करेंगे, आफ्टर देन हम क्लास की बात क्लास में करेंगे, राइट? पहला हम बात करेंगे श्वास नलिका में, दूसरा है रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ों में, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। हम बात करते हैं किसकी? अंतः श्वसन की। अंतः श्वसन होता है, तो आप यहाँ पर जो पहला ऑप्शन देखते हो, मतलब श्वास नलिका में, तो नो डाउट हम क्या करते हैं, श्वास नलिका के माध्यम, हम एज ए माध्यम के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से मार्ग है, श्वसन मार्ग है एक तरह से आपकी, क्या? श्वास नलिका। जब हम श्वसन मार्ग की बात करते हैं, जैसे आप मुंह से खाना खाते हो, एक होती है ग्रास नली, एक होती है श्वास नली। तो ग्रास नली और श्वास नली, ग्रास नली से भोजन जाता है, श्वास नली से आपकी एयर पास होती है, ठीक है? कभी कभी क्या हो जाता है, जो ये दोनों जब कभी कभी आपका जो सिस्टम गड़बड़ा जाता है खाते समय, या फिर एक साथ मिक्सअप हो जाती है आपकी एयर भी खाना भी, तो आपको क्या आ जाती है, खांसी, ठीक है? तो वहां पर आप क्या देखते हो, श्वसन नलिका, श्वास नली क्या है, आपका एक माध्यम है सांस को अंदर पहुंचाने का, आपकी बॉडी में इंटर करने का, राइट? उसके बाद हम बात करते हैं रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच, और दूसरा है फेफड़ों में, या ऐसे हो सकता है यहाँ पर एक ऑप्शन, चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम देखते हैं। तो देखिए, सारे बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे ऑप्शन, कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, कुछ लोग बोल रहे हैं, सब लोग मल्टीपल में आंसर दे रहे हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच। बात की जा रही है किसकी? अंतः श्वसन की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग है, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो। यहाँ पर बात की जा रही है अंतः श्वसन की। अगर बाह्य श्वसन होता, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्स्ट्रो लगा होता, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाता, क्योंकि जब रक्त कोशिकाओं और फेफड़ों के बीच, रक्त कोशिकाओं और फेफड़ों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो आवागमन होता है, वो होता है आपको कौन सा, वो होता है आपका बाह्य श्वसन। लेकिन जब हमारे ऊतकों के बीच में श्वसन क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रक्त कोश अंतः श्वसन। ओके, समझ में आई बात ना? अंतः श्वसन बाह्य श्वसन होता है, और ये आपका क्या हो जाता है, मार्ग, ठीक है? और कोई नहीं का मतलब कोई नहीं, अंडरस्टैंड?
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, केंद्रक के अभाव में, केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा। तो सारे बच्चे बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम और ऑप्शन नंबर डी है आपका डीएनए। ऑप्शन नंबर डी है आपका डीएनए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या आपका, हम यहाँ पर देखेंगे इसका, सारे बच्चे राइट कमेंट्स करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा या गुणसूत्र होगा या लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम लिखा हुआ है, दिस इज द इंग्लिश टर्म। ओके तो यहाँ पर आप लाइसोसोम कर सकते हो इस तरह से देखने के लिए। ओके इंग्लिश है, कुछ भी हो सकता है, लाइसोसोम डीएनए। तो देखिए हम बात कर रहे थे किसके, यहाँ पर केंद्रक के अभाव में कोशिका की बात की जा रही है। आप क्या देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था क्या, यहाँ पर आपका क्या है, आपका एनर्जी बनाने का काम बहुत ज्यादा, ऊर्जा उत्पादक का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या इसको बोला जाता है आप ऊर्जा घर, क्या बोल सकते हो आप इसको, ये आपकी बॉडी का क्या होता है, ऊर्जा घर होता है। बात करते हैं गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र ही आपके केंद्रक के निर्माण में काम आते हैं। अगर गुणसूत्र ही नहीं है तो केंद्रक कहाँ से बनेगा। और बोल दिया गया केंद्रक के अभाव में कोशिका में कौन अनुपस्थित, तो भाई जब किसी के द्वारा कोई चीज बनाई जा रही है और अगर वही चीज अनुपस्थित है तो क्या निर्माण हो पाएगा। मान लीजिए आपको क्या बनाना है, आपको रोटियां बनानी है। अब रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले तो आटा चाहिए, आटा के पहले भी गेहूं चाहिए, तो गेहूं ही नहीं है तो आटा नहीं बनेगा, आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी, सिंपल। तो यही आपको समझना है क्या कि केंद्र के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होगा, तो आपका गुणसूत्र अनुपस्थित होगा। ओके समझ में आई बात ना, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम को ही बोला जाता है क्या, एटम बॉम्ब, आत्महत्या की थैलियां, ऑटोलिसिस का केंद्र, देयर आर मेनी रिम्स। ओके तो यहाँ हम जब बात करते हैं लाइसोसोम की तो ये आपका इस तरह से काम करता है। डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, एक तरह से आपके ऑटोसोम्स में खास करके हमारे क्या डीएनए पाए जाते हैं, या इस तरह से डीएनए की कहानी और अपने आप में काफी लंबी है। ठीक है तो आप ये समझते रहिए कि डीएनए जो है हमारे, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, हर जगह उपस्थित होते हैं इन दोनों जगह। ओके ममता जी को क्या हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। कोशिका झिल्ली किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कोशिका झिल्ली की, और हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रमुख शारीरिक श्वसन क्रिया संबंधी कार्य है। ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो कोशिका की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर सी है कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का श्रावण करना, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दूं क्या, बहुत ज्यादा फैला सा नजर आ रहा है। ओके यस अब ठीक है, चलिए हम देखते हैं कोशिका की सुरक्षा करना। अब बताइए कोशिका झिल्ली का प्रमुख काम क्या है। जैसे ही हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के, आप देखते हो कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना, तो ये हमारे सुरक्षा प्रदान करने में नहीं आता, इनके हम अगर मुख्य की बात करते हैं, मुख्य कामों की बात करते हैं, तो सारे बच्चे बताएं सर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना, यहाँ पर इस अभिगमन और नियंत्रण से मतलब होता है आपका किससे, सीधे सीधे हम जानते हैं किसकी, चयनात्मक पारगम। यहाँ पर इनका काम क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, चयन के अकॉर्डिंग पारगम्यता, मतलब इधर से उधर आना और जाना। ठीक है तो यहाँ पर आपका सीधे सीधे जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका सीधे सीधे
आपकी जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है यहाँ पर क्या कुछ अवतली फॉर्मेट में या कुछ निश्चित पदार्थ ही अंदर और बाहर आ जा सकते हैं आवश्यकता के अकॉर्डिंग, जिन जिनकी आवश्यकता होगी वही कुछ विशेष, मतलब जिनकी आवश्यकता होगी। कुछ विशेष लोगों को एंट्री कहीं कहीं पर क्यों दी जाती है, जब किसी व्यक्ति की आवश्यकता, ठीक आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि आपके वहां पर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो कि कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर लाती है और बाहर भेजती है, ठीक है। यही मतलब होता है आपका चयनात्मक पारगम्य, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना जितना जरूरी है उतना ही जाएगा, ओके। कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना नहीं, तो यहाँ पर रासायनिक पदार्थों का स्राव, सभी बच्चे सुनते सुनते जान गए होंगे कि रासायनिक पदार्थों का श्रवण कहाँ कहाँ होगा क्लास में, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास की तो बात ही अलग है, ठीक है, तो वहां पर सारे बच्चे। उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट है आपका, कोई नहीं से कोई मतलब नहीं, समझ में आई ना, तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हुए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में, तो ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आज फिर से हो गया, इसका आंसर नहीं देंगे, सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे और मेरे द्वारा इसका आंसर नहीं बताया जाएगा, ठीक है, आप लोग बताएंगे, बिकॉज ये कल भी हमने आई थिंक रिपीट करवाया था और ये फिर से किसी तरह रिपीट हो गया है, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, अब आ गया है तो कम से कम आप लोगों से ही आंसर जान लेते हैं, बिकॉज हम तो आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक, यस, बिल्कुल कोई गलत तो नहीं देगा आंसर, आई होप दैट आप सभी बिल्कुल राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल सारे बच्चों को लग गया है, ठीक, थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए अब हम बात करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, ऊर्जा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे और देखते हैं, मानव कोशिका में उपस्थित गुण सूत्रों की संख्या होती है, मानव कोशिका में उपस्थित गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, देखिए है क्वेश्चन वही कल से पढ़ा रहे हैं, आज 2-3 दिन से इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, अब आपको बहुत ही केयरफुली तरीके से यहाँ पर आंसर देना है, वही क्वेश्चन बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग है उनके ऑप्शंस पर, राइट, तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 22 जोड़े + XY गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है 24 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी है 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी है 24 जोड़े + XY गुणसूत्र। तो हमें इसमें देखना है, पहले आप लोग आंसर बताइए इसका राय, मोस्टली बच्चे बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उपस्थित गुण सूत्रों की संख्या बताइए, उपस्थित गुण सूत्रों की संख्या बताइए, हमको पता था कि सब लोग यही करोगे, सब लोग हमको पता था कि ऑप्शन नंबर सी ही सेलेक्ट करोगे, लेकिन ये जितने बच्चे सी बोल रहे हैं वो रॉन्ग है, देखिए कैसे रॉन्ग है ये कैसे ऑप्शन रॉन्ग है, आपको ये जानना है, गुण सूत्रों की संख्या कितनी होगी, बात की जाएगी गुण सूत्रों की, यहाँ पर हम जब संख्या की बात करेंगे तो संख्या होगी कितनी आपकी 46, मतलब कि इस 46 को जब पेयर में कर देते हैं तो यहाँ पर दो दो लोग हैं, अब इनको पेयर में करेंगे, एक जोड़ा दो जोड़ा दो, तो कितना जोड़ा हो जाएगा आपका, सीधे सीधे जोड़े के रूप में बनेगा, तो 23 जोड़े, सब लोगों ने 23 जोड़े को देखा और आंसर राइट कर दिया, लेकिन आप ये भी तो देखते हो ना कि इस 23 जोड़े में आपके होते हैं क्या, कुछ आपके ऑटोसोम्स होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, कुछ आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपके एक्स और वाई होते हैं, और वहीं पर ऑटोसोम्स कितने होते हैं आपके 22 जोड़े होते हैं, राइट, समझ में आई बात ना, तो यहाँ पर क्या बात की जाए, अब अगर आप 23 जोड़े दे दोगे एक्स वाई गुणसूत्र दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 1 24 हो जाएगा ना, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, राइट, अब ये 24 तो ये तो गलत ही है, यहाँ पर 24 जोड़े ये तो बिल्कुल फाइनली बचा कौन सा ऑप्शन नंबर है, इट मींस आप क्या करोगे 22 जोड़े आपके समान है, एक्स और वाई जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं ये भी तो आपके मिलेंगे ना, यहाँ पर
एक्स और वाई। होता क्या है कि जब एक मेल और फीमेल में कि अगर एक्स और एक्स मिलते हैं, एक्स और एक्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक गर्ल्स, कौन सा सेक्स बनता है, गर्ल्स का सेक्स बनता है। और यहाँ पर जब एक्स और वाई, क्या एक, ये है वाई और यहाँ पर अगर एक्स मिलेगा, एक्स और वाई दोनों मिलेंगे, किस तरह के लिंग का निर्माण होगा, सभी जानते हो किस तरह का, बॉयज। ठीक है ना, समझ में आई बात ना। क्वेश्चन सेम था, पैटर्न था, लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन को रॉन्ग कर गए। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके किया करिए। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई, सूक्ष्मतम जीवित इकाई की बात की जा रही है, तो हम क्या इसका आंसर देंगे, हम इसका आंसर क्या देंगे, हम इसका आंसर क्या देंगे। अब देखो, जानते तो सभी हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, शरीर की जीवित इकाई संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये भी नाम बोला जाता है। ठीक है, आपको जानना क्या है, हमारी इन कोशिका से मिलकर ही क्या बने हैं, आपके ऊतक बने हैं। ठीक है, और ऊतक से ही बनकर, ऊतक से ही मिलकर एक पर्टिकुलर अंग बना है। और अगर हम तंत्रिका की बात कर दे तो क्या हम तंत्रिका को एक लैंग्वेज में ऊतक नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इसलिए सकते हैं, बिकॉज हम लोग क्या तंत्रिकी कोशिका, तंत्रिका ऊतक पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, आपके बिनली ऊतक चार प्रकार से, उसमें भी एक प्रकार का हम देखते हैं आपका तंत्रिकी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, तो ये हमारे सूक्ष्मतम की बात नहीं हुई, बिकॉज शरीर का सूक्ष्मतम क्या है, आपकी सेल्स है, ये एक सेल्स होती है, इस सेल्स में जब कई सारी सेल्स मिलती हैं तो आपका ऊतक बन जाता है, तो ऊतक में एक सरलतम नहीं है, यहाँ पर अधिकतम हो गए। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी आपकी क्या सेल्स मिलती है, राइट। समझ में आई बात ना, क्लियर। कैसे आपका कोशिका है, तो कोशिका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका की बात की, जब यहाँ पर कई सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो ऊतक बन जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, असंख्य छोटी छोटी संख्याएं, ध्यान देना है आपको, सारे ऑफलाइन वाले बच्चे तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को गलत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी हर चीज को इतना ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया है, वो खुद बच्चे जानते हैं, ये गलत नहीं करेंगे, वो तो चलो समझने वाली चीजें और समझाने वाली भी चीजें मैंने इस तरह से समझाई है, आप जीते जी कभी भूलोगे नहीं अपने। चलिए, असंख्य छोटी छोटी इकाइयां जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं, जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं, का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया था, जिसका श्रेय किसने दिया था। मतलब इन्होंने ये बात बोली है कि जो भी हमारे शरीर में छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, उनका, उन जीवधारियों के शरीर की रचना होती है, उनका कोशिका नाम, कोशिका किसने रखा था, बताइए किसने रखा था, किसने रखा था। सारे बच्चे बोल रहे हैं रॉबर्ट हुक ने रखा था, सारे बच्चे बोल रहे हैं रॉबर्ट हुक ने रखा था। बिल्कुल सही बात। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, सीधे सीधे छोटी छोटी इकाइयां जीवधारियों के शरीर में रचना, एक तरह से आपके इनडायरेक्ट वे में यही पूछा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, ये तो पूछा जा रहा है ना, कोशिका की खोज किसने की थी, यही पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक होगा। कुछ बच्चों ने गलत भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी दे रहे हैं। आस्था सिंह जी बोले हैं 7 का, नहीं बेटा 7 का ए नहीं होगा, 7 का सी होगा। चलिए हम बात करते हैं जब रॉबर्ट ब्राउन महोदय की, इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी पर्टिकुलर, इन्होंने केंद्रक के विषय में टिप्पणी की थी, क्या किया था इन्होंने, इन्होंने सीधे सीधे केंद्र के विषय में टिप्पणी की थी, केंद्र के विषय में बताया था। जबकि विल्सन, अगर आप विल्सन को राइटर समझ लो, या विल्सन का रोग होता है इसको समझ लो, कुछ भी समझ लो, विल्सन को आप कुछ भी समझ सकते हो, ही इज फ्री, फ्री मैन। ओके, इनका नाम ही ऐसा है कि डिजीज को भी इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर राइटर को भी इंडिकेट करता है, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, हक्सले की। हक्सले महोदय ने क्या किया था, इन्होंने किसके विषय में टिप्पणी की थी, इन्होंने जीवद्रव्य के विषय में बताया था, इन्होंने बहुत अच्छे से जीवद्रव्य के विषय में बताया,
इन्होंने क्या बताया था जीव द्रव्य के विषय में? इन्होंने ये बताया कि भैया जो जीव द्रव्य है वो जीवन की आधारशिला, जीव द्रव्य को इन्होंने जीवन की आधारशिला बता दिया है, ठीक है, जीवन की आधारशिला। और ये मैंने बताया भी है आपको कि इन्होंने अगर आधारशिला बताया तो क्यों बताया। सारे बच्चे ऑफलाइन वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने इसका भी टिप्पणी कैसे, अगर संरचनात्मक और क्रियात्मक है तो कैसे, हर चीज है तो कैसे, कब क्यों कैसे में आंसर, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, हक्सले महोदय ने जीव द्रव्य के विषय में बताया और इन्होंने पर्टिकुलर बताया कि ये जीवन की आधारशिला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर समझ में आया इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर सेवन का सी। आठवां हम बात करेंगे अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है, अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है, देखते ही सब समझ गए होंगे। बेटा ऑफलाइन क्लास आपकी अल्लापुर में चल रही है, अल्लापुर ब्रांच में चल रही है, कौन क्यों नहीं चल रही, टाइम है उसका 2 से 4। अंतःश्वसन, आई होप दैट ऑप्शन में चेंजमेंट है, लेकिन क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ऑप्शन में थोड़ा चेंजमेंट है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चलिए बताएं फटाफट बताएं। किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए आंसर, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए आंसर, बिल्कुल यस। अंतःश्वसन की क्रिया कहाँ होती है, ऊतकों में, कहाँ पर, ऊतकों में। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, अस्थियों में हमारा श्वसन नहीं होता है, अस्थियां हमारी बनी होती है किसकी, कैल्शियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम, इस तरह से इनका सारा का सारा लिंकअप होता है। अंगों में पर्टिकुलर, तो अंग तो आपकी पूरी के पूरे अंग से मिलकर आपका पूरा अंग तंत्र बन गया है, ठीक है। जब एक अंग का निर्माण कई सारे ऊतकों से होता है और जब कई सारे अंग से मिलकर पर्टिकुलर एक अंग तंत्र बनता है, ठीक है, और जब कई सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं पर्टिकुलर, तो एक पूरा का पूरा जीवित शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या समझना है, जब बात होती है अंगों की, यहाँ पर अंग आपका पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं किया जा रहा, इसलिए इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। अस्थियों का भी सभी जानते हो भैया, अस्थियां हमारे शरीर को आकार प्रदान करने की काम करती है, सुंदरता प्रदान करते हैं। अब अगर अस्थियां ना हो, हम खड़े होके आपसे बात कर रहे हैं, आप बैठ करके पढ़ रहे हो, क्या पॉसिबल है, गिर जाओगे गोलमोल होकर के, बैठ ही नहीं पाओगे, जो खड़े हैं तो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, बार बार खड़ा किया जाएगा लेकिन तुरंत लुढ़क जाएंगे, तो क्यों खड़े हैं, अस्थियों के बदौलत। तो अस्थियों का श्वसन का कोई काम नहीं होता, राइट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं, सॉरी किस रूप में, किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं। हम बात करेंगे किसकी, यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल हो सकता है, जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन लेना चाहे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इस दुनिया में सब लोग स्वतंत्र हो, कोई किसी के बंधन में नहीं है, ठीक है, सब लोग जिसको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ ले, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ ले, ऑनलाइन से ऑफलाइन कन्वर्ट करा ले, ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट, मजा ना आए तो कन्वर्ट करा ले ना, वो भी हो तो जनरा वाले फीस भी वापस कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ करते हैं, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है, ठीक यस। खैर हम लोगों को सेक्शन लेना है, बात करते हैं आगे की तरफ, ओके बच्चों, तो देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज, किसकी बात की जा रही है, श्वेत सार की बात की जा रही है, समझ गए आप लोग, श्वेत सार नाम आया, आई होप दैट आप समझ गए होंगे, ओवरऑल स्टूडेंट की बात नहीं करती हूँ, अपने स्टूडेंट की बात करती हूँ, श्वेत सार समझ गए ना, शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे स्किन के रूप में ऊतक के रूप में किस फॉर्मेट में, किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं, संयोजी ऊतक, श्लेष्मिक ऊतक, एडिपोज ऊतक, तंत्र और इनमें से कोई नहीं, सारे बच्चे फटाफट बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सारे बच्चे फटाफट बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलिए
हम क्या देखते हैं आपके शरीर में, श्वेत क्षार का मतलब क्या होता है, स्टार्च, क्या होता है स्टार्च, स्टार्च का हमें रिसोर्स क्या होता है सभी जानते हो, ग्रेन्स मतलब अनाज, स्टार्च का मुख्य रिसोर्स क्या होता है, ग्रेन्स होते हैं। जब हम पर्टिकुलर स्टार्च की बात करते हैं, यहाँ आप इनकी बात करते हो तो यहाँ स्टार्च की भी कहानी आपकी बहुत लंबी है, खैर यहाँ पर जिक्र करने का कोई मतलब नहीं। बाकी हम देखते हैं क्या कि जो भी आपकी ग्लूकोज त्वचा के नीचे उपस्थित होती है वो क्या आपकी एडिपोज ऊतक, ठीक है। एडिपोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सारे बच्चे ऑप्शन कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडिपोज। एडिपोज का मतलब क्या हुआ, एडिपोज का मतलब होता है आपका सीधे सीधे वसीय ऊतक, किसके वसीय ऊतक, समझ रहे हो, वसीय ऊतक के रूप में, एक तरह से आपके एडिपोज ऊतक या वसीय ऊतक के रूप में। भाई आपको समझना कैसे, बहुत कॉमन तरीके से ऐसे सोचने, आप क्या लेते हो कार्बोहाइड्रेट, यानी कुछ भी आपने स्टार्च लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया या प्रोटीन लिया या आपने सीधे सीधे फैट लिया, राइट। आपको जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी मिलनी होती है और चीज समझिए, तीनों चीजें हमने ली, इन तीनों ही न्यूट्रिएंट्स में हमको मिलता क्या है, ओवरऑल घुमा करके मिलता है क्या, ग्लूकोज। हर चीज का पाचन सबसे छोटी इकाई में यानी ग्लूकोज में होगा, और जब ग्लूकोज में होगा जितने हमारे शरीर के आवश्यकता होगी, हमारे शरीर के अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ऊर्जा ले लेंगे। अगर नहीं लिए, ज्यादा हो गई, तब हम क्या करेंगे, वही हमारी एनर्जी जो होती है, वही हमारा जो ग्लूकोज होता है वो क्या आपका जमा होने लगता है, किस फॉर्मेट में, ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में, आपके आपके ऊतकों में भी जमा होने लगता है, आपकी मांसपेशियों में, आपकी मांसपेशियों में भी जमा होने लगता है, वो किस रूप में, यही धीरे धीरे आपकी क्या एज ए फैट के रूप में चीजें कन्वर्ट हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि घी पीने वाले को ही सिर्फ मोटापा होगा और कार्बोहाइड्रेट लेने वाले और प्रोटीन लेने वाले को मोटापा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मोटापा तीनों ही चीजें आपके बढ़ाने में मदद करती हैं, बहुत बेहतरीन ढंग, अगर आप ज्यादा खाते हो तो, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए, संतुलित डाइट लेनी चाहिए, ओके, समझ गए बेटा, ओके। चलिए उसके बाद आप समझ गए, अब यहाँ पर इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, संयोजी ऊतक, हमारे आपके ये पर्टिकुलर ऊतक है श्लेष्मिक ऊतक, यहाँ पर कोई इनका मतलब नहीं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका के जीवन का मूल आधार, मुख्य रूप से किसका जीवन का आधार बोला जा रहा है, कोशिका की, ठीक है, कोशिका के जीवन का मुख्य मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो बताएं भैया, किसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाएगी, कोशिका मृत मानी जाएगी, किसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर सी है आपका केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी है आपका जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी है क्या आपका जीव द्रव्य। तो हमने आपको बताया भी था जीव द्रव्य की जब आप बात करोगे तो ये आपके शरीर में सारी चीजों को क्या एक तरह से जीव द्रव्य, जब आप इस प्लाज्म की बात करते हो सीधे सीधे तो यहाँ पर आप न्यूक्लियोप्लास्ट और आपका जो भी न्यूक्लियोप्लास्ट पर्टिकुलर कहाँ पर केंद्रक में है ना, इनके अगर हम प्लाज्म की बात करते हैं तो ये इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में आपकी सेल में पर्टिकुलर इस सेल्स में जो ये इतनी सारी चीजें है ना, तो यहाँ पर फ्लूइड्स के रूप में भरा होता है, ठीक है, जो कि सभी सभी के सभी ऑर्गन्स को बिल्कुल स्थायी रखने का काम करता है। जैसे कोई भी चीज होती है आप घर में देखते हो, आप घरों में कप होते हैं, ठीक है, आप जब कभी खास करके सड़क वाले नहीं, अगर आप किसी पर्टिकुलर क्रॉकी की शॉप से लाते हो या कोई ठीक ठाक क्वालिटी का कप लाते हो, वहां पर आप देखते हो कुछ इस तरह से ब्लॉक से होते हैं ना, वहां पर कप भरे होते हैं ऐसे, ये ब्लॉक क्यों होते हैं, ताकि ये दूसरे से भिड़े ना, अदरवाइज भिड़ जाएंगे तो सबके सब टूट जाएंगे घर आते आते, ठीक। इसी तरह से आपका जो जीव द्रव्य होता है ये इस तरह से काम करता है, ओके। अब हम बात करते हैं केंद्रक की, सेंट्रियोल की और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खूब अच्छे से जान गए, ऊर्जा बनाने का काम करता है, ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, तो इनका मतलब ही नहीं। सेंट्रियोल की हम यहाँ पर
यहाँ पर हम अपनी कोशिका में पार्टिकुलर सेंट्रियोल को नहीं देखते हैं। जब हम बात करते हैं केंद्र की, हमने आपको बताया कि केंद्र क्या करता है, आपकी सेल्स में, पर्टिकुलर सेल्स में जितने भी और अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ये आपकी सेल्स है, बीच में हो गया केंद्रक, बाकी सारी चीजें इधर उधर है, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, आपका सेल्स। कौन काम करता है, आपका सीधे सीधे सेल्स करता है। ओके, मतलब कि आपका जो केंद्रक है यही क्या करता है सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पर आपका केंद्रक द्रव्य भी होता है, केंद्रिका भी होते हैं, क्रोमेटिन धागे भी होते हैं, चार चीजें आपकी इन केंद्रक में पाई जाती हैं, और ये चारों के चारों चीजें अलग अलग तरीके से आपकी आपकी पूरी की पूरी सेल को, पूरी की पूरी कोशिका को नियंत्रण और नियामक करती हैं। तो सोचिए, जब नियंत्रण और नियामक करने वाला ही नहीं रहेगा तो सारा का सारा संचालन कैसे होगा। जैसे अब आप इसको क्या हम बोलते हैं कि ये दोनों चीजें आपके न्यूट्रिशन और साइंस एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अब समझ लो न्यूट्रिशन में कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, वहां पर आप क्या देखते हो, हमारे जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। तो आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, कितना भी फैट ले लो, कितना भी आप प्रोटीन ले लो, लेकिन अगर आपके शरीर में मिनरल्स और विटामिन और जल, अगर ये तीनों सही से नहीं है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर जो मिनरल्स और विटामिन है, ये क्या करता है, यही तो रेगुलेट करता है ना, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पचाना है, कौन सा एंजाइम कहाँ सीक्रेट करना है, तो ये सारा नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, आपका मिनरल्स और विटामिन करते हैं। तो आप कितना भी कार्बोहाइड्रेट ले लोगे, जब उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने वाला नहीं है तो सारी चीजें क्या है, बेकार है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है, अगर केंद्रक नहीं है तो आपकी सेल्स को सही तरीके से कार्य संचालन नहीं हो सकता है, समझ रहे। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से समझिए, साइंस साइंस ना लग के बिल्कुल आपको क्या लगने लगेगी, कॉमन चीज लगने लगेगी। ओके चलिए चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है आपका। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं कहाँ पर होता है, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में होता है, या फिर आपके दांत में होता है, या फिर कहीं भी नहीं होता है। तो आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है। आप क्या देखते हो, अर्धसूत्री विभाजन का हो रहा है, मतलब जहां पर आपके सीधे सीधे एक तरह से इनडायरेक्ट वे में किसका किसका इंडिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे क्रोमोसोम्स का इंडिकेशन होना है, राइट। तो आप स्वयं समझ जाओगे कि भाई प्रजनन तंत्र की, तो क्रोमोसोम्स खास करके अगर देखा जाए तो कहाँ के लिए, आपके प्रजनन तंत्र में। तो आपका यहाँ पर जब हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, सूत्रों के विभाजन की बात करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात आपके प्रजनन तंत्र में ही होते हैं, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं, न कि अतिरिक्त भाग में, अतिरिक्त भाग में नहीं होते हैं, ठीक है। और दांतों में तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, तो कोई मतलब थ्री ऑप्शन में ही आपको देखना था, इसलिए आप क्या देख रहे हो, आपका सीधे सीधे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है। अब हमारा जो ये बॉडी है, इसको पर्टिकुलर किसने बांध कर रखा हुआ है, बहुत कुछ हमारे शरीर में कंकाल है, सब कुछ है, लेकिन इसको बांधने का काम किसने किया है, हमको ये बताना है। समझ लो, बांधने का काम आवश्यक क्यों है, इसलिए बहुत कुछ हमारे शरीर में क्या है, ये हमारा बहुत कुछ हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है, जो कि स्टैंड रखने का काम कर रहा है, ठीक है, जो कि बॉडी को स्टैंड रखने का काम कर रहा है। लेकिन सोचिए, खड़ा ही एक कंकाल ही खड़ा रहेगा अगर हमारी बॉडी बंधे ही नहीं, तो आपको कुछ इस तरह से समझना है कि क्या पेशी कोशिकाओं का या फिर आच्छादक कोशिकाओं का, ये संभोजी नहीं बेटा, ये संयोजी है, क्या है, संयोजी, संयोजी कोशिकाओं का, ये तंत्र की कोशिकाओं का। तो देखिए, इसका पेशी कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं, जिसको आप बोलते हो मस्कुलर, तो ये आपके शरीर में पर्टिकुलर मांसपेशियों, ठीक है,
मांसपेशियों के संबंध में बताता है। जब हम बात करते हैं किसकी, आच्छादक कोशिकाओं की यानी कि एपिथीलियम की बात करते हैं, तो ये आपके सीधे सीधे आवरण बनाने का काम करते हैं, लाइक आपकी स्किन या फिर आपके अदर पार्ट में, मतलब बॉडी के अदर पार्ट में अदर ऑर्गन्स जो आपके अंदर भी हैं, वहां पर भी तो आपकी आच्छादक होता है ना, वहां पर भी तो लेयर्स होती हैं, एक्टोमीजो एंडो, ठीक है। और आप क्या देखते हो, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, जो आपका संयोजी ऊतक होता है ये क्या करता है, सीधे सीधे शरीर के सभी सभी अंगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, बांधने का काम करता है, ठीक है, कनेक्ट करने का काम, इसीलिए इसका नाम ही है संयोजी ऊतक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर में सूचनाओं को पहुंचाती हैं, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान, ओवरऑल बॉडी में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है किसके माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से। ये आपके पूरे शरीर में फैली हुई तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, ये आपके पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं को कनेक्टेड करने का काम करती हैं, बांधने का काम करती हैं। इन्हीं के कारण हमारा पूरा का पूरा एक ढांचा तैयार है, जिसके कारण हम क्या, देखने में, काम करने में, हर काम में अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज अगर सिर्फ कंकाली हो तो कैसा लगेगा, बहुत दुबला व्यक्ति कैसा लगता है, सोचा है कभी, ठीक है, ओके। चलिए, समझना है बेटा आपको, आपको आपको आयु वहां ये नहीं बोलेगा आकर के फिगर बनाओ, अंडरस्टैंड, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको सारी चीजें आनी चाहिए, समझ में, क्या मतलब है फिगर, ना आने दो बनाना, हमें कौन सा फिगर सा, हमें वहां पर फिगर के द्वारा मुझे सिलेक्शन होना है, राइट। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, संयोजी कोशिकाएं। चलिए, आप लोग भी ऐसा ही गंदा गंदा फिगर बनाना सीख लें, बस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है वसीय ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में और वृक्क में, बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या है, बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका राइट ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन में तो हमें थोड़ी सी ट्विस्टिंग लग रही है, फिर भी हम आप लोगों के मत पहले जान लें, आप लोग किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको सही करने की। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन 13 का आंसर दीजिए, सर लोग 13 का आंसर दीजिए, 13 का बी, बी सी, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी। चलिए, इसका हम क्या करेंगे, बिल्कुल सब लोग सहमत हैं, इसका हम लोग आंसर नहीं पर्टिकुलर करेक्ट करेंगे, हम इनकी थोड़ी थीम समझ लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन ही ऐसे पड़े हैं जिसको समझना जरूरी, क्या समझना जरूरी, हमने आपको क्लास में क्या बताया है, ग्लाइकोजन आपका क्या है, प्राणिज शर्करा है, जो कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से यह पाई ही नहीं जाती है, क्यों, क्योंकि ये हमारे भोजन के डाइजेशन होने के बाद जो आपका ग्लूकोज होता है, जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, वो कहाँ पर, यकृत में स्टोर होता है, वही क्या कहलाता है आपका, ग्लाइकोजन का होती ऊर्जा ही है, होता आपका ग्लूकोज ही है, बस का उसका स्थान बदल गया, इसलिए नाम बदल गया। जैसे समझ लो, एक बच्चिया ए, जैसे समझ लो, अगर हम बात करते हैं एक लड़की की, घर में रहती है तो वो लड़की रहती है, एक बेटी रहती है, लेकिन अगर शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, तो वो बहू हो जाती है, लेकिन है तो वो लड़की है ना, है तो वो बेटी है। कुछ इसी तरह से आपको अपने इसको समझना है, होता वही आपकी वही शर्करा ही होती है, वही आपकी ग्लूकोज ही होती है, लेकिन उसका फॉर्मेट, उसका नाम चेंज है। इसलिए क्या आप ग्लाइकोजन समझ गए ना, कि आपके मानव के शरीर में स्टोरेज एनर्जी है, स्टोरेज ग्लूकोज है, ओके। तो देखिए, क्या वसा ऊतकों में इसका संग्रह होता है, तो बिल्कुल नहीं होता। क्या यकृत में होता है, तो होता है, यस बिल्कुल होता है। क्या मांसपेशियों में होता है, बिल्कुल होता है, मांसपेशियों में भी होता है, मांसपेशियों में भी इसका संग्रह होता है। क्या वृक्क में होता है, तो वृक्क में नहीं होता है। हमने आपको पढ़ाया है कि जो आपका ग्लाइकोजन होता है वो कितना, अप्रोक्सीमेट 550 ग्राम कलेक्टेड फॉर्म में होता है। उस कलेक्टेड फॉर्म में आपका 200 ग्राम कहाँ पर होता है, आपका यकृत में, कितना, 200 ग्राम, जबकि मांसपेशियों में कितना, 350 ग्राम, ठीक है।
350 ग्राम होता है, तो ये स्टोरेज तो दोनों जगह हो रहा है ना, और हमको दोनों ऑप्शन भी मिल रहे हैं, ऑप्शन भी दोनों मिल रहे हैं, तो हम इसको किसको कह सकते हैं, हम दोनों को कर सकते हैं। अगर ये वृत्त की जगह हो जाता बी और सी दोनों में, तब हम बोल देते पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर डी। तो जितने बच्चों ने कॉमन ऑप्शन दिया है, कॉमन आंसर दिया है बी और सी, तो उन लोगों को क्या, अगर बी वाले ने सी बताया तो सी वाला अपना अपना एक नंबर जोड़ ले, या इन दोनों में से जिसने बताया वो एक नंबर, बाकी जिसने ये और ये किया है ए और डी, तो वो भैया माइनस कर ले अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनाव यह संचरण के लिए डॉट डॉट अवरोध है, तनाव यह संचरण के लिए डॉट डॉट अवरोध है, क्या अवरोध है, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक, तो बताइए। जब हम बात करते हैं तनाव यह संचरण की, तो जो आपका सामाजिक और सांस्कृतिक ये दोनों ही अगर देखा जाए तो ये किस पर समाहित हो जाएंगे, ये दोनों ही दोनों पॉइंट आ करके आपके इस मनोवैज्ञानिक में समाहित हो जाएंगे। तनाव यह संचारण के लिए डॉट डॉट अवरोध है, तो स्वाभाविक सी बात है सामाजिक भी सही है, सांस्कृतिक भी सही है, लेकिन अदर के रूप में सही है, और मुख्य की अगर बात की जाए तो मुख्य के रूप में ऑप्शन नंबर सी सही है ना, ऑप्शन नंबर मुख्य के रूप में सी सही है, मनोवैज्ञानिक। और अगर अन्य की बात, तो क्या अगर तनाव होता है तो सामाजिकता प्रभावित नहीं होती है, हमारी संस्कृति प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक में सारे के सारे पॉइंट ऑटोमेटिक समाहित हो जाएंगे, इसलिए सर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, भय के कारण डॉट डॉट हो सकता है, क्या हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, उत्कृष्ट अनुबंधन हो सकता है, या फिर कोई नहीं, तो हमको बताना है ये इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएं भाई क्या क्या हो सकता है इसका राय। तो देखो जब हम बात करते हैं किसकी, सामाजिकता की, तो यहाँ पर आप सामाजिक टर्म देखते हो, सारे के सारे सामाजिक टर्मिनोलॉजी देखते हो, लेकिन जब हम भावना की बात करते हैं तो भय क्या है, आपके अंदर की एक भावना है, ठीक है, भय क्या है, आपकी एक अंदर की भावना है कि हम, हमें भय लग रहा है, हम बहुत साहसी हैं, हम बहुत क्रोधी हैं, या हम बहुत बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ भी, तो ये आपकी क्या, एक तरह से आपकी भावनात्मक ना कि उत्कृष्ट अनुबंध से होता है। तो भय के कारण क्या हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, व्यक्ति क्या उसकी सारी की सारी भावनाएं चेंज हो सकती हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 15 का आपका बी, ठीक है, क्या होगा, 15 का बी ऑप्शन सही होगा। ओके बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भाई पूछ सकता है, बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ओके आज हम 15 क्वेश्चंस को ही लेंगे, उसके आगे हम आपसे कल मिलेंगे, ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, थैंक यू अखुमार जी, नो प्रॉब्लम, ओके ओके ठीक है, कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन के लिए तैयार होते रहिए। Thank you.